Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंधन के व्याख्यान नंबर तीन में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आपके समक्ष लेकर आई हूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अध्याय तीन सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज की कहां से हमने इनको इनके टर्म्स को इनके डेफिनेशन्स को लिया है तो सबसे पहले हमारी है बिस्को की किताब डी आर स्क्रुचर आर एस क्लॉस की 2009 इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस फॉर मल्टीनेशनल नेशनल एंटरप्राइजेज उसके बाद लिया गया है कैसकी डब्ल्यू एफ दो मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ प्रॉफिट न्यू डेली टाटा मैग्रोहिल से डेस्लर जी दो मानव संसाधन प्रबंधन रसवा एडिशन न्यू डेली पियर्सन डेस्लर जी वैंके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की किताब से गिलमोर और विलियम की किताब से गोमेज मेज़िया जो 2012 में मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लिखी गई लेबिमन एम ब्यूरर आर माकी बी आर मैनेजमेंट दी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सक्सेशन प्लानिंग से लिया गया है स्मिथ की किताब से लिया है 2005 प्रैक्टिसिंग सक्सेशन प्लानिंग मैकलिन जी एन एल सी ने सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजरल एथिक्स एंड रियलिटी रिटेल इंडस्ट्री से लिया गया है और टाबा बेसी एस एन लेकिन ए ए डी दो हज़ार चौदह स्टडी ऑफ सक्सेशन प्लानिंग चैलेंजेस इन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से तो ये कुछ स्रोत थे सोर्सेज थे जहाँ से हमने इस लेक्चर को इस व्याख्यान को हमने लिया है तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन के बारे में जिसको हम कहते हैं नौकरी विश्लेषण और नौकरी डिज़ाइन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी संस्थान में मानव संसाधन प्रबंधन को सही से करने का या मानव संसाधन विकास को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि कार्य का विश्लेषण क्या है कार्य कैसा है और उसको किस प्रकृति से डिज़ाइन किया जाएगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस की जॉब एनालिसिस जिसमें दो चीज़ें हम कवर करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन जिनको हम नौकरी का विवरण या कार्य विनिदेश कहा जाता है और कार्य का रूपरेख जिसमें चार चीजें रहेंगी जिसमें हम बात करेंगे कार्य सरलीकरण का कार्य वर्तन का नौकरी का विस्तार और नौकरी समृद्धि का जॉब एनालिसिस या कार्य विश्लेषण को जानने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टर्म्स को जान लें जैसे कि कार्य कार्य क्या है जॉब किसे कहते हैं कार्य वे है जिसमें आप कार्य के कर्तव्य उसकी जिम्मेदारियों को एक समूह जिसे संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निष्पादित करने की आवश्यकता होती है किसी भी कार्य पे क्या जॉब असाइनमेंट्स होंगे आपके क्या टास्क होंगे उनको पूरा करने के लिए जो एक कार्य आप करते हैं उसको हम जॉब कहते हैं उसके बाद हमारा कर्तव्य क्या है हमारी ड्यूटी क्या है उस कार्य पे हमें क्या उत्तरदायित्व निभाने हैं हमारी क्या इंपॉर्टेंट वर्क है क्या डिफरेंट टास्क है जो हमें परफॉर्म करना है वो हमारा होगा कार्य कर्तव्य ड्यूटी हमारी उसके बाद आता है टास्क जिस भी कार्य को करने के लिए उसको छोटे छोटे विभाग में जब हम बांट देते हैं तो हम डिफरेंट टास्क उसको बोलते हैं जो हम डिफरेंट आइडेंटिफिएबल वर्क कंपोज ऑफ डिफरेंट एक्शन जो भी कार्य हम कर रहे हैं उनको छोटे छोटे विभागों में बांटने को हम कहते हैं टास्क जिसको कंप्लीट करने के बाद हम दूसरा टास्क कंप्लीट करते हैं और इसी प्रकार से हम पूरे कार्य को करते चलते हैं इसके अलावा पद क्या है पद वो पोजीशन है जो हम होल्ड करते हैं जिस पे उस कार्य को हम परफॉर्म करते हैं एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित कार्यों कर्तव्य और जिम्मेदारियों का संग्रह एक पोजीशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिस पद को आप संभाले बैठे होते हैं जिस पद पे आप कार्य कर रहे होते हैं उसके क्या नेतृत्व है उसके क्या दायित्व हैं उसके अंतर्गत आप उस कार्य को पूरा करते हैं दूसरा है नौकरी का शिक्षक द जॉब टाइटल जिसे हम कहते हैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब आप किस पोजीशन पे हैं क्या कार्य है आप कर रहे हैं उसका जो अंदाज़ा लगता है वो उस जॉब के टाइटल से लगता है उसके शीर्षक से लगता है कि ये जो जॉब है ये जो कार्य है किस प्रकार का कार्य है उस पर क्या क्या चीज़ें आपको करनी है किस तरीके की जिम्मेदारियाँ आपको निभानी हैं क्या टास्क आपको पूरे करने हैं वो उस जॉब के शीर्षक से आपको पता चलता है तो चलिए अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस की क्योंकि हम इस टर्मिनोलॉजी को समझ गए हैं डिफरेंट टर्म्स हम क्या क्या यूज़ करते हैं किसी भी जॉब को एनालाइज करने से पहले उसके विश्लेषण करने से पहले कार्य क्या है टास्क क्या है पोजीशन क्या होती है जॉब टाइटल क्या होता है तो उसमें हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि जॉब एनालिसिस क्या है किसी भी कार्य का पूरी तरीके से विश्लेषण करना कार्य किस प्रकार का है किस तरह से उसमें काम होगा क्या जिम्मेदारियां आपको निभानी होंगी किन किन लोगों से आपको मिलना होगा किस तरीके के आपको असाइनमेंट्स करने होंगे उन सभी चीज़ों का जो आप निष्कर्ष निकालते हैं उसको हम बोलते हैं कार्य का विश्लेषण तो जॉब एनालिसिस इज बेसिकली परफॉर्म्ड अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ जॉब पूरे ही कार्य का एक तरीके से आप आप पूरा एग्जामिनेशन करते हैं पूरी स्टडी करते हैं जिसमें आप छोटी से बड़ी जो भी चीज़ें हैं आप उसको समझते हैं इट इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ टास्क पूरा एक कार्य को समझने का एक एक प्रक्रिया है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा उस कार्य के बारे में आप जानकारी लेते हैं नौकरी विश्लेषण विशेष नौकरी कर्तव्य और आवश्यकताओं और किसी दिए गए नौकरी के इन कर्तव्यों के समीक्ष को विस्तार से पहचानने और निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप ये जानने की कोशिश करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं कि कार्य कैसे होगा उस कार्य को करने के लिए क्या दायित्व हैं क्या जिम्मेदारियाँ हैं क्या नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको पूरी तरीके से निभानी है उन सभी का एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन एक एक प्रोसेस के द्वारा जब आप करते हैं उसको हम जॉब एनालिसिस का नाम देते हैं और ये सब करने के लिए आपको क्या करना होगा उस जॉब के बारे में पूरा डेटा कलेक्ट करना उस जॉब के बारे में पूरी चीज़ों को समझना कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हम इसे करते कब हैं नौकरी विश्लेषण कब करें नौकरी की एनालिसिस कब करनी चाहिए कैसे हमें पता चलेगा कि कब और कैसे उसे हमें जानना है और समझना है संगठनों की स्थापना के द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि हम जानते हैं जब भी कोई संस्थान स्थापित होती है उसमें जॉब्स आती हैं उन जॉब्स में क्या कार्य करना है किन तरीके के लोगों को हमें चयन करना है किस तरह की नौकरियां हैं वो हम तभी करेंगे जब हम किसी संस्थान को शुरुआत करेंगे उस संस्थान को जब हम चालू करेंगे वो संस्थान जब हमारी शुरू होती है तब वो देखते हैं कि किस प्रकार का कार्य हमें यहाँ कराना होगा ताकि उसी तरीके से हम लोगों का चयन कर सकें तो सबसे पहले जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं कार्य का विश्लेषण करते हैं तो वो समय होगा जब हम किसी भी संस्थान की स्थापना करते हैं दूसरा जब नई जॉब्स हम क्रिएट करते हैं जब हमारी संस्थान बढ़ती है और हमें नए लोगों की ज़रूरत पड़ती है और हम नए नए वर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तब बहुत सारी नई ऐसी कार्य हैं जो आते हैं जिनको हमें क्रिएट करना पड़ता है अब उन नए कार्यों को जब हमने क्रिएट किया है तो डेफ़िनेटली हमें ये भी देखना होगा ये कार्य किस प्रकार के हैं अगेन इस कार्य पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या टास्क हैं किस तरीके से हमें इनको आगे बताना है तीसरा जब जॉब्स हमारी चेंज्ड हो जाती हैं सिग्निफिकेंटली बदलते दौर में बदलते बदलते समय में हम जानते हैं किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं तो अभी जो हमारे कार्य करने का तरीका है जो कार्य करने का हमारा प्रोसेस है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है तो बदलाव जब, जब आता है नौकरियों में तब उस समय भी हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या जिम्मेदारियों में हमारे बदलाव आया क्या रोल्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में टास्क में क्या अंतर आया है तो उस समय पर भी हमें जॉब एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है तो आमिन तौर पे ये तीन एक आ, तीन तरीके हैं या तीन समस् तीन जगह पर हमें जॉब एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले हमने कहा जब किसी भी संस्थान का स्थापना होती है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है या संस्थान में कोई नई या कोई ऐसी जिम्मेदारी नई पैदा हुई है कोई नौकरी या कोई नया पद पैदा हुआ है तब हमें कार्य विश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है या किसी नौकरी में किसी भी तरीके का कोई बदलाव आया हो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है अब बात करते हैं कि करता कौन है ये कब किया जाता है कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया इसको कौन करेगा जॉब एनालिसिस किसके द्वारा किया जाता है उसमें सबसे पहले आता है मानव संसाधन प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है हमारा जो विभाग है वो करता है उनकी ही जिम्मेदारियां हैं क्योंकि वो जितनी भी कार्य कर्मचारी से समस्याएं हैं या कार्य कार्य कर्मचारी से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं कि उसको क्या करना होगा किस तरीके का हमें लोगों की ज़रूरत होगी उससे पहले उन्हें ये देखना होगा कि जॉब किस तरीके के हैं क्या उनकी विश्लेषण करनी होगी तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जॉब्स को एनालाइज़ करते हैं कार्य का विश्लेषण करते हैं ताकि वो जान सकें किस प्रकार की नौकरियाँ हैं और किस तरीके लोगों की ज़रूरत पड़ेगी दूसरा जो संस्थान का मैनेजर होता है या एच मैनेजर भी हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही जो मैनेजर है जो उस डिपार्टमेंट में काम करता है उसका मैनेजर भी इस इस चीज़ को देख सकता है कि किस तरीके से कार्य को विश्लेषण किया जाए या फिर हम किसी बाहर से किसी इंसान को लेकर आ सकते हैं जिसको कि हम एक्सटर्नल कंसल्टेंट का नाम देंगे बाहरी सलाहकार जिसे हम कहेंगे उसको हम लाएं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको बोलें कि वो हमें बताए समझे देखे कि ये कार्य का किस प्रकार से काम होगा इस किस तरीके से ये कार्य आगे किया जाना चाहिए तो ये कोई भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप ये किससे करवाना चाहते हैं एच डिपार्टमेंट के द्वारा कराना चाहते हैं या संस्थान के किसी मैनेजर से कराना चाहते हैं जो कि एच डिपार्टमेंट का पार्ट भी हो सकता है या फिर आप बाहरी किसी सलाहकार को लाकर उससे कराते हैं जॉब एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है कौन करता है कब करते हैं क्यों करते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि जॉब एनालिसिस की हम महत्वपूर्णता क्या है महत्व क्या है उसको हम समझें उसको हम जानें इसको करने से हमें क्या समाधान मिलेंगे हमारे को क्या मीन्स आंसर मिलेंगे क्वेश्चन के तो उसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर प्लानिंग किसी भी संस्थान को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है लोगों को चयन करना किस तरीके के लोगों का चयन करना है कितने लोगों का चयन करना है वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं मैन पावर प्लानिंग में जिसको कि हम एच प्लानिंग भी कहते हैं तो मैन पावर प्लानिंग प्लानिंग जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही एडवांस में ही किसी चीज को आ, देखना कि फ्यूचर में हमें क्या करना है क्योंकि प्लानिंग इज समथिंग विच ब्रिज दी गैप्स बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो तो प्लानिंग करने के लिए आपको समझ जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितने लोगों की जरूरत है किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है तो वो आप किसके द्वारा कर पाते हैं कार्य विश्लेषण के द्वारा जब आपको मालूम होता है कि आपके संस्थान में किस प्रकार के कार्य हैं किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है कितने लोगों की ज़रूरत होगा अगर आपको ये नहीं पता होगा अगर आप कार्य विश्लेषण नहीं करेंगे तो आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और सही समय पे शायद हम लोगों का चयन ना कर पाएँ दूसरा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जैसा हमने कहा मैन पावर प्लानिंग में रिक्रूटमेंट और सेलेक्शन का भी बात होती है रिक्रूटमेंट जो एक प्रोसेस है जो प्रक्रिया है उसमें हम लोगों तक ये पहुंचाते हैं कि हमारे संस्थान में कितनी नौकरियां हैं किस तरीके के लोगों की हमें ज़रूरत है एक पूल ऑफ कैंडिडेट को एप्लीकेशंस को इनवाइट करने के प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं और जब हमारे पास ये एप्लीकेशंस आ जाती हैं जब लोग हमारे संस्थान के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें से हम बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो रिक्रूटमेंट का जो भर्ती और चयन का एक प्रक्रिया है उसको करने के लिए हमें जॉब का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है तीसरा है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी जॉब के विश्लेषण करने से हम ये जान पाते हैं कि ये जॉब किस प्रकार का है इस पर कितना वेतन दिया जाना चाहिए कितना वेतन प्रशासन होगा तो वो सारी ज़िम्मेदारियां हमें तभी पता चलेंगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हर तरीके के कार्य हैं सभी कार्य को एक जैसा पेमेंट हम नहीं कर सकते एक जैसा वेतन नहीं दिया जाता तो जो वेतन दिया जाता है वो इसी प्रकार से दिया जाता है कि जो जो कर्मचारी है वो किस तरीके के कार्य को कर रहा है अगर वो ज़्यादा ऊंचे पद का कार्य है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा वेतन दिया जाएगा अगर वो लाइन मैनेजर है अगर वो स्टाफ एम्प्लॉय है तो उसको उसी तरीके से वेतन दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी कि आपको किस कार्य पे किस पोजीशन पे कितना वेतन का चयन करना है कितना कंपनसेशन पे करना है तो वो आपको जॉब विश्लेषण के द्वारा ही पता चलेंगी उसके द्वारा ही मालूम चलेंगी कि ये जॉब किस प्रकार का है उसके आधार पर ही आप उनका वेतन देंगे जॉब री इंजीनियरिंग जब जॉब्स को रीडिज़ाइन किया जाता है जब उनको चेंज किया जाता है या उनके बदलावों को समझना चाहिए या हमें देखना है कि इसमें क्या ज़रूरतें हैं किस तरीके के नए चेंजेस को हमें लाना है तब हम जॉब री इंजीनियरिंग भी कर पाएंगे विद दी हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस इम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट जैसा कि हम जानते हैं आज के समय में हर एक कर्मचारी को आ, ट्रेनिंग देना उसका विकास कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट कब है किस तरीके के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ये हमें जॉब एनालिसिस से पता चला कार्य के विश्लेषण से पता चला तो जब कार्य के विश्लेषण से हमें स्किल्स का नॉलेज का क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट पता चलता है उसी प्रकार से हम अपने कर्मचारियों को उस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं विद दी हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं उसके बाद आपका अप्रेजल कैसे होना चाहिए उस कार्य को आप पूरी तरह से पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं आपके जो उद्देश्य थे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपको जो अचीव करना था अगर वो पूरी तरीके से आप अचीव कर पाते हैं तो फिर आपको आगे लेवल पे प्रमोट किया जाता है आपका आपका अप्रेजल किया जाता है तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आप जॉब एनालिसिस के द्वारा ही कर पाएंगे आपको जब मालूम होगा कि क्या आपके स्टैंडर्ड्स हैं और क्या बेंचमार्क आपका सेट किया गया है उसको आपने अचीव कर लिया है उसके बाद ही आपका अप्रेजल होता है और हेल्थ और सेफ्टी जिसको कि हम स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी कहते हैं वो भी हम जॉब विश्लेषण के द्वारा ही जान पाते हैं कि इस जॉब में किस तरीके से लोगों को हेल्थ और सेफ्टी प्रोवाइड करनी है क्योंकि बहुत प्रकार के जॉब होते हैं बहुत प्रकार के संस्थान होते हैं अगर हम किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे हदादियस प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इम्प्लॉय की कर्मचारी की स्वास्थ्य का कर्मचारी की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानव संसाधन प्रबंधन के पास होती है डिपार्टमेंट के पास होती है तो उसको ये देखना है कि इस जॉब में किस तरीके के असाइनमेंट्स इन्वॉल्व हैं कितना हेल्थ रिस्क है कितना सेफ्टी रिस्क है, है तो कर्मचारियों को हमें किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है इन सभी चीज़ों के लिए जॉब का विश्लेषण होना बहुत ही आवश्यक है इसीलिए हम कहते हैं जॉब एनालिसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिका निभाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये उसी का एक डायग्रामेटिक फॉर्म है जो अभी हमने बात करी जिसमें हम कह रहे हैं कि कार्य विश्लेषण सभी एच गतिविधियों का आधार है एच जो ह्यूमन मानव संसाधन प्रबंधन है उसकी जितनी भी गतिविधियां हैं जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम टेकअप ही नहीं कर सकते उनको हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि जैसे हमने कहा प्लानिंग जो सबसे पहला फेज है एच प्लानिंग की कौन आएगा कितने लोग आएंगे किस तरीके के लोग आएंगे उसी की शुरुआत आपकी जॉब एनालिसिस से होती है तो आप देखिए जॉब एनालिसिस क्योंकि हमें दो चीज़ें बताता है जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन और जब हमें जॉब का डिस्क्रिप्शन और किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है उससे आगे बढ़ते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं वर्क एनालिसिस एंड जॉब को डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से वर्क फ्लो एनालिसिस होगा कौन किसको रिपोर्ट करेगा क्या हरारकी होगी ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके की जॉब्स हमारे यहाँ होंगी कैसे हम चयन करेंगे लोगों का भर्ती कैसे होगी परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज किया जाएगा उनको वेतन किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा और लीगल कंप्लाइंसेस क्या होंगी उस का, कार्य की नौकरी विश्लेषण के लिए डेटा का स्रोत नौकरी विश्लेषण करने के लिए हमें वहाँ से पता करना होगा कि क्या इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेंगी किसी भी जॉब का जब हम विश्लेषण करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बारे में डेटा कलेक्ट करें डेटा हमें मिलेगा तो हम उसको एनालाइज करेंगे उसको एनालाइज करने के बाद हम एक इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो कार्य है वो किस प्रकार का है तो सबसे पहले जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो स्वयं जॉब धारक से करते हैं नौकरी धारक जो उस पर कार्य कर रहा है जॉब होल्डर जो है उससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि ये जॉब किस प्रकार का है और इस पर किस तरीके की जिम्मेदारियों की आवश्यकता पड़ती है तो जॉब होल्डर से हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं दूसरा जो हमारा डेटा कलेक्ट करने का स्रोत है वो है इमीडिएट सुपरवाइज़र और मैनेजर जो उस जॉब पोजीशन को इमीडिएटली इमीडिएट सुपरवाइज़ कर रहा है या मैनेज कर रहा है या जो जो जॉब होल्डर को इंस्ट्रक्ट करता है उससे भी आप बहुत हद तक ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इमीडिएट जॉब होल्डर से टच में रहता है बार बार उस जॉब के बारे में जानकारी लेता रहता है बताता रहता है कि कार्य किस प्रकार से करना चाहिए तो उसको भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है इसलिए हम उससे भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तीसरा हम डायरी जॉब होल्डर्स विल रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर जॉब्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड जैसे हमने कहा कि डायरी हम बना सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को इवेलुएट करने के लिए या उनके क्रिटिकल आस्पेक्ट्स को समझने के लिए हम नौकरी धारक से कहते हैं कि वो अपने पास एक डायरी रखें और उस डायरी में नोट करते रहें लिखते रहें कि इस जॉब में किस तरीके से कार्य करना है क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आप नोट करते रहें स्पेसिफ़िक पीरियड में कि आपने इसमें क्या किया क्या नए बदलाव आपके देख आपको देखने के लिए मिले क्या नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल रही हैं क्या आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उन सब चीज़ों को आप डेली बेसिस पे रेगुलर पीरियड पे आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आप नोट करते जाइए लिखते जाइए ताकि जब हम उसको बाद में एनालाइज़ करें हमें समझ में आए कि इस नौकरी में इस इस जॉब पे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आप इसका जो डिस्क्रिप्शन है या डेटा जो है वो ओल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन से भी आप पता कर सकते हैं पुरानी जो जॉब हमारे पास थी या उसमें कोई बदलाव आया है तो उसमें हम क्या जिम्मेदारियाँ निभाते थे उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस थी या कोई हमारे पास जॉब रिपोर्ट हो ये कुछ स्रोत हैं हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि हम जॉब को एनालाइज कर सकें आगे हैं तरीके मैथड्स जिन्हें हम कहेंगे जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या क्या मैथड्स हैं जिनके द्वारा नौकरी का विश्लेषण करते, है, करते हैं नौकरी का एनालिसिस करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चनर मेथड प्रश्नवाली के थ्रू हम करते हैं प्रश्नावली के थ्रू हम करते हैं अवलोकन जिसको कि हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं देख के तीसरा डायरियाँ जो मैंने आपको अभी थोड़े समय पहले ही बताया था कि किस तरीके हम डायरी के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और साक्षात्कार करके इंटरव्यू के थ्रू लोगों से आमने सामने बात करके उनसे पूछ कर कि क्या उनको देखने को मिलता है किस तरीके के बदलाव वो करते हैं इस नौकरी में उनसे हम साक्षात्कार होकर भी पूछ सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चनर मेथड की क्वेश्चनर मेथड कैसा है और किस तरीके से हम इसमें डेटा को एनालाइज करते हैं कर्मचारी को दी गई संचित प्रश्नवाली जिसके न, जिसे नौकरी धारक और तत्काल परिवेक्ष द्वारा दोनों भरा जाना चाहिए जैसे कि जो एक क्वेश्चनर हम उसे देते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर जिसमें कि आपके सारे प्रश्न लिखे हुए हैं जो कि एम्प्लॉ को दिया जाता है जो उस जॉब धारक के द्वारा भरा जाता है और या फिर इमीडिएट सुपरवाइज़र या मैनेजर के द्वारा भी वो भरा जा सकता है जिनको उस जॉब के बारे में पूरी जानकारी है एक आपने उनको क्वेश्चनर प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से हम उनको क्वेश्चनर प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनका नाम जॉब का टाइटल और डेजिगनेशन लिखा है किस तरीके का वो कार्य कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे करते हैं क्या उन्होंने एक्स्ट्रा कार्य किया उनका क्या विभाग है किसको वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं उनका इमीडिएट सुपरवाइज़र कौन है उनके कार्य का डिस्क्रिप्शन किस तरीके का कार्य वो कर रहे हैं उनकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं नियमित तौर पे वो कार्य क्या कार्य करते हैं पीरियोडिकल ड्यूटीज़ क्या हैं उनकी ओकेजनल ड्यूटीज़ कभी कभी उनको क्या कार्य करने पड़ते हैं आउट ऑफ दी वे जाके ओकेजनली जिनके कार्य करने हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं या नॉलेज रिक्वायरमेंट ठीक है जैसे स्टोर प्रोसीजर एंड मैथड्स आप यूज़ कर रहे हैं किसके थ्रू आप डेटा सामान को ला रहे हैं मर्केंडाइज़र कौन है इसमें किस इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि उसमें आ, कौन स्टोर प्रोसीजर्स क्या हैं मेथड्स क्या हैं किन मर्केंडाइज़र से आप जो सामान है वो परचेज़ कर रहे हैं क्या इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं किन तरह की चीज़ों का आप यूज़ करते हैं मटेरियल क्या यूज़ करते हैं आप आपके सुपरवाइज़र का क्या काम है क्या आपको नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है आगे प्रमोट करने के लिए आपकी क्या जिम्मेदारियाँ आपको पूरी करनी पड़ती हैं या फिर आपको किसी प्रेजेंट जॉब से ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या आदेश दिए जाते हैं तो इस तरीके का हम क्वेश्चनर उनको देते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं और उनको वो भरते हैं और जिस तरीके से वो जवाब देंगे उनको स्टडी किया जाता है उनको एनालाइज किया जाता है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये जॉब किस प्रकार का होगा दूसरा इसमें तरीका है ऑब्जर्वेशन का किस तरह से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हमने क्या देखा उस जॉब में वो किस प्रकार से कार्य करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में हम जानने की कोशिश करते हैं कि नौकरी धारक को कार्य करते हुए देखकर बताना ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है उसमें आप किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं किसी से आप कोई बात नहीं कर रहे हैं आप केवल उनको कार्य करते हुए देख रहे हैं आप उनको आ, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से कार्य करते हैं क्या क्या जिम्मेदारियां वो निभाते हैं किन किन चीजों की इनको जरूरत पड़ रही है कैसे वो कार्य कर रहे हैं तो इसमें आप केवल उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये जो है ना ये ये मेथड बेसिकली सफिशिएंट मेथड नहीं है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है इसको बहुत जल्दी आप पता नहीं लगा सकते क्योंकि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व आप एक या दो दिन में नहीं कर सकते एक लंबे समय तक आपका ऑब्जर्वेशन चलेगा तभी वो कार्य पूरी तरीके से आप कर पाएंगे तो प्राइमरली ये मैथड यूज़ किया जाता था लेकिन अब ये इसको बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे बहुत क्लैरिटी नहीं आ पाती है और ये तभी डिफ़िकल्ट होता है वेन मेंटल स्किल्स आर डोमिनेंट ऑन जॉब जब आप मेंटली कोई काम कर रहे हैं तो उसको आप ऑब्जर्व करके नहीं निकाल सकते कि किस प्रकार का यहाँ कार्य हो रहा है फिजिकल वर्क को आप स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके के फिजिकल यू नो स्किल्स की जरूरत है इस कार्य को पूरा करने के लिए बट मेंटल स्किल्स को आप स्टडी नहीं कर सकते बाय द वे ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन मेथड तीसरा इसमें डायरियों का इस्तेमाल किया जाता है डायरीज मेंटेन की जाती है जिसमें जॉब होल्डर जो है जो जॉब धारक है वो पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है अपनी स्पेसिफिक जॉब्स के बारे में कि उसने क्या कार्य किया कितने समय तक किस तरीके की चीज़ों का उसने रोल निभाया है उसको वो यहाँ पर पूरा करता है एम्प्लॉय डिस्क्राइब डेली वर्क एक्टिविटीज़ इन देर डायरीज एंड लॉग अपने पूरे दिन की कार्यशाली को वो यू नो you know, उसमें मेंशन करते हैं उसमें लिखते हैं ताकि वो पता कर सकें कि उसमें क्या क्या कार्य उनसे कराए गए हैं दे आर वैल्यूएबल इन अंडरस्टैंडिंग हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब ये डायरी का जो एक तरीका है या जो मेथड है ये बहुत अच्छा है अगर कोई हाईली स्पेशलाइज जॉब है जिसमें कि इंसान भूल भी सकता है कि उसने क्या कार्य किए थे तो इसमें अच्छी बात यह है कि वो डेली बेसिस पे क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज़ को लिखते रहते हैं नोट करते रहते हैं तो वो डायरी उनके पास पूरी पूरी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक ज़रिया बाद में बहुत अच्छा साबित हो सकता है समस्या क्या आती है इसमें एम्प्लॉयड माइट एग्जीग्रेट जॉब इम्पॉर्टेंस कई बार इसमें ये समस्या आती है कि जो कर्मचारी हैं वो हो सकता है कि उस के महत्व को नौकरी के महत्व को थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताएं क्योंकि अपने बेसिस पे वो लिख रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स को लिख रहे हैं बट कई बारी वो अपनी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी बता सकते हैं तो जॉब एनालिसिस में जो आखिरी हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है इंटरव्यू जिसको हमने कहा साक्षात्कार जिसमें हम लोगों से जाके बात करते हैं उनसे पूछते हैं क्वेश्चनर मेथड में हमने उन्हें एक पेपर दे दिया था जिसमें कि वो लिख कर बताते हैं जबकि इंटरव्यू मेथड में इसमें हम लोगों के पास जाते हैं उनसे बात करते हैं किन किन लोगों से हम बात कर सकते हैं स्वयं नौकरी धारक से हम बात कर सकते हैं उसके पास जाएँ उनसे पूछें कि उन्होंने क्या कार्य किया इसमें हम इंटरव्यू ले सकते हैं सुपरवाइज़र का भी जो उनके इमीडिएट सुपरवाइज़र होते हैं उनसे भी हम जाके पूछ सकते हैं कि वो जॉब पे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं तीसरा हम इंटरव्यू करते हैं हेल्प डैम टू डिस्क्राइब हिज और ड्यूटीज़ परफॉर्म ठीक है उन्होंने किस तरीके से कार्य किया है क्या क्या उन्होंने इसमें जिम्मेदारियां निभाई हैं क्या क्या उनके कर्तव्य थे उनके बारे में हम उनसे पूछते हैं और साक्षात्कार के बाद विश्लेषण आम तौर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए प्रवेश से संपर्क करता है ताकि उनको और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सुपरवाइज़र से वो डेफिनेटली टैली करेगा एक बार जब हमने कर्मचारी से उसके बारे में जानकारी ली उसके बाद हम सुपरवाइज़र के पास जाके डिस्कस करते हैं ताकि हमें उसके बारे में उस जॉब के बारे में करेक्टनेस पता चले कि जो कर्मचारी कह रहा है वो सही है या नहीं है डेटा कलेक्ट करने के बाद हम कैसे ये इंश्योर करें कैसे हम ये रिज़ल्ट ड्रॉ करें कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो सही है उसका जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा या हम उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट ड्रॉ करेंगे वो डेटा हमारा सही है कि नहीं तो इसको हम इमीडिएट सुपरवाइज़र या मैनेजर के द्वारा चेक कर सकते हैं उनसे टैली कर सकते हैं दूसरा हम उससे ना बात करके उसके आसपास के जो लोग हैं केवल एक एम्प्लॉय के एनालिसिस पे हम बेस ना रहे उसने क्या डायरी में मेंटेन किया या उसने किस तरीके से क्वेश्चन फिल किया या उससे हमने किस तरह से बात करके इंटरव्यू करके आ, डेटा कलेक्ट किया इससे बेहतर रहेगा हम एक से ज़्यादा एम्प्लॉय से डेटा कलेक्ट करें ताकि हम उसकी अथेंटिसिटी को और ज़्यादा वैलिडेट कर पाए इसके बाद हमने बात करनी है जॉब एनालिसिस के दो महत्वपूर्ण रोल्स की जिसमें जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इन दो के दायरे में हम जानेंगे कि जॉब स्पेसिफ़िकेशन क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन को हम नौकरी का विवरण भी कहते हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन को हम नौकरी का विवेशक भी कहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जैसा कि नाम बता रहा है जॉब का डिस्क्रिप्शन एक नौकरी के सामग्र कार्य कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में एक लिखित विवरण है उस जॉब पर उस कार्य पे आपको क्या कार्य करना है क्या जिम्मेदारियाँ आपको निभानी है उसका पूरा विश्लेषण है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन वेयर एज जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है विवरण दस्तावेज़ में शामिल किए गए और किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्वीकार योग्यताओं का वर्णन करना उस जॉब को पूरा करने के लिए एक एम्प्लॉय के क्या स्किल्स होनी चाहिए उसके पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उन सारी चीज़ों की जो जानकारी देता है उसको हम बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे कहा जैसा हमने बताया कि ये एक मूल रूप से वर्णात्मक प्रकृति है और इसमें कार्य विशेषण विश्लेषण का विवरण शामिल है ये संगणनात्मक जानकारियाँ जैसे कि संरचना के स्थान अधिकार और कार्यात्मक जानकारियाँ कार्य की प्रकृति कैसी होगी के बारे में आपको जानकारी देता है ये नौकरी की गतिविधियों के दायरे प्रमुख कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और संगठन में नौकरी की प्रमुख स्थिति की परिभाषित को परिभाषित करता है जॉब डिस्क्रिप्शन आपका डिस्क्राइब करता है जॉब और जॉब होल्डर के बारे में जॉब कैसी है जॉब का पोजीशन क्या रहेगा उसके बारे में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन के क्या क्या चीज़ें हम जॉब डिस्क्रिप्शन में करते हैं तो सबसे पहले नौकरी का नाम इसका टाइटल क्या होगा ये जो नौकरी है इसको होल्ड जो करेगा उसका पोजिशन जो होल्ड करेगा उसको हम किस नाम से बुलाएंगे उसका टाइटल क्या होगा नौकरी करने का स्थान उसका लोकेशन किस जगह पर उसको वो कार्य करना है ये भी हम जॉब डिस्क्रिप्शन में बताते हैं क्या भूमिकाएं है उसको निभानी है व्हाट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द पर्सन हैज़ टू फुलफिल राइट जैसे भूमिका हो के रोल और उत्तरदायित्व और कर्तव्य क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या ड्यूटीज़ का उनको निर्वहन करना होगा उस कार्य को पूरा करने में उनका वेतन किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे प्रोत्साहन राशि उनको क्या दी जाएगी वो कार्य जब करेंगे तो उनको क्या इंसेंटिवस प्रोवाइड किए जाएंगे और क्या उनको भत्ता दिया जाएगा अलाइंसिस क्या पे किए जाएंगे इस कार्य को करने के लिए तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जो कार्य का विवरण है उस कार्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस कार्य का नाम उसका लोकेशन उसकी जिम्मेदारियां उसकी भूमिका उत्तरदायित्व उसका वेतन प्रोत्साहन राशि भत्ता ये सारी चीज़ों की जो आपको जानकारी देगा उसको हम कहेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन नौकरी का विवरण बताता है कि किस तरह के व्यक्ति को भर्ती करना है और उस व्यक्ति को किन गुणों के आधार पर जांच की जानी है क्या क्वालिटीज होंगे जिसके बेसिस पे आप उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे और उसको उसको सेलेक्ट करके अपने यहाँ पर आप जॉब देंगे नौकरी विनदेश विनिदेश नौकरी विवरण Uh, को मानवीय मान योग्यताओं के संदर्भ में अनुवादित करता है जो किसी नौकरी के सफल प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं वे नियुक्त और नौकरी मूल्यांकन में मार्गदर्शन करते हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे जॉब में इवेल्यूशन करेंगे या जॉब परफॉर्मेंस में आप किस तरह से उसको स्टडी करेंगे हायरिंग के टाइम पे सिलेक्शन के टाइम पे रिक्रूटमेंट के टाइम पर ये सारी ही चीज़ें आपको मदद करेंगी अगर हम कॉम्पोनेट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन के देखें तो जॉब स्पेसिफिकेशन के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है गुण एट्रीब्यूट किस प्रकार के कर्मचारी को आप चयन करना चाहते हैं उसमें क्या गुण होने चाहिए किस तरह की कौशलताएं होनी चाहिए उसका ज्ञान कितना हो उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक एक एक्सपीरियंस उसके पास कितना हो अनुभव कितना हो वो सारी चीज़ों की जानकारी करना बड़ा ही आवश्यक है अगर आपको अपने कार्य को पूरी तरीके से सही तरीके से कराना है तो आपको सही एक कर्मचारी को ऑर्गेनाइजेशन में लाना होगा और वो तभी आप ला पाएंगे जब आप कार्य का विश्लेषण करेंगे और कार्य के स्पेसिफिकेशंस को जानेंगे उसी की मदद से आप सही इंडिविजुअल का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर पाएंगे जॉब एनालिसिस करने के क्या कदम हैं क्या स्टेप्स हैं उसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जॉब एनालिसिस के दायरे क्या हैं उनको हमें पहचानना होगा दूसरा हमें नौकरी के सामान्य संदर्भ को समझने के लिए प्रासंगिक पृष्ठभूमि जानकारी जैसे संगठनात्मक चार्ट प्रक्रिय चार्ट और पुराने नौकरी विवरण की समीक्षा करें पुराना जो हमारा ओल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको हमें स्टडी करना होगा तभी हम जॉब को एनालाइज़ कर पाएंगे तीसरा हम जॉब का बेंचमार्क मार्क सेलेक्ट करेंगे बेंचमार्किंग जॉब जो हमारे जिससे हम उनकी तुलना कर रहे हैं उसका बेंचमार्किंग जॉब हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे कहाँ से हम डेटा लाएंगे उसके बाद उनको एनालाइज़ करेंगे सारे डेटा को एनालाइज़ करने के बाद हम उन इन्फॉर्मेशन को वेरीफ़ाई करेंगे इमीडिएट सुपरवाइज़र से जो सुपरवाइज़र है वो हमें बताएगा कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है पर पूर्ण है या नहीं और उसके आधार पर फिर हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार करेंगे तो जो अभी तक हमने बात करी है उसमें बहुत सिंपली हमने ये कहा कि जो जॉब एनालिसिस है या जॉब का विशेषण है वो आपको पूरी तरीके से मदद करता है जॉब डिस्क्रिप्शन को और जॉब स्पेसिफिकेशन को तैयार करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन उस जॉब के बारे में जो टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ हैं वो बताता है और जॉब स्पेसिफिकेशन आपको नॉलेज स्किल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए उसकी जानकारी देता है और इन दोनों के ही आधार पे आपके मानव संसाधन प्रबंधन की सारी जो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होती हैं जैसा कि हमने बात की थी मैन पावर प्लानिंग की रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की सेफ्टी सिक्योरिटी की वेलफेयर कंपनसेशन मोटिवेशन इंसेंटिव सैलरी स्ट्रक्चर इन सारी ही चीजों को वो बताता है अब हम बात करते हैं जॉब एनालिसिस के प्रोसेस की जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इस चार्ट के थ्रू मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि हमने कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है जॉब एनालिसिस से इम्प्लॉय से और सुपरवाइज़र से हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद हमारे डेटा कलेक्ट करने के चार मैथड्स हमने पढ़े थे इंटरव्यू डायरीज ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनर मैथड इनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और जब डेटा हमारे पास आ जाता है तो हम जॉब का डेटा निकालते हैं कि इस जॉब पे क्या टास्क परफॉर्म करने होंगे क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होंगी क्या जिम्मेदारी होंगी कितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी क्या स्किल्स होने चाहिए कितना एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी अनुभव कितना होना चाहिए जॉब किस कंटेक्ट का क्या है उसकी ड्यूटीज़ uh, क्या होंगी किस तरीके की इपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो जब हमारे पास जॉब डेटा आ जाता है उससे हम दो चीज़ें बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का जॉब डिस्क्रिप्शन उस जॉब के टास्क ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में होता है वेयर एज जॉब स्पेसिफिकेशन उसके स्किल रिक्वायरमेंट उसकी फिजिकल डिमांड नॉलेज और एबिलिटीज़ के बारे में है और उसके आधार पर पूरा ये ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन तैयार किया जाता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को टेकअप करते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट सेलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात की जाती है इसी में आगे चलते हुए हम हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं जॉब डिज़ाइन का जॉब एनालाइज करने के बाद हम उसको डिजाइन करते हैं किस प्रकार से इस कार्य को किया जाएगा तो जॉब डिजाइन क्या है जॉब डिज़ाइन एक प्रक्रिया है जिसमें हम कंटेंट तैयार करते हैं जॉब का कि किस तरह की कि टर्म्स और ड्यूटीज उसको करनी होंगी किस मेथड से उस कार्य को किया जाएगा क्या टेक्निक्स वो यूज़ करेंगे क्या सिस्टम्स और प्रोसीजर उनके इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि वो एक जॉब होल्डर जॉब जो जॉब धारक है जो नौकरी धारक है और उस जॉब के बीच में एक अलाइनमेंट तैयार कर सके तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपका उनके कर्तव्य और जिम्मेदारी के संदर्भ में नौकरी की सामग्री पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में एक परिभाषित किया गया है कार्य को पूरा करने में उपयोग की जाने वाली विधियों पर तकनीकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में हैं और उन रिश्तों पर जो नौकरी धारक और उनके रिश्तों अधिन अधिन और सहकर्मियों के बीच मौजूद होना चाहिए जो जॉब डिज़ाइन है वो क्या करता है वो वर्क कंटेंट फंक्शन और रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है कार्य सामग्री कार्य के संबंध और कार्य को रिलेट करता है दूसरा इसमें क्या पुरस्कार हम देंगे क्या रिवॉर्ड्स और इंस्टेंशन एक्सटेंशन और इंट्रेंसिक uh, रिवॉर्ड्स हम इसमें देंगे उसके बारे में हैं तीसरा है इसके नॉलेज इसके स्किल्स और एबिलिटीज़ के बारे में कि किस तरह की नॉलेज स्किल्स और एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम उसी तरह से लोगों को चयन कर सकें नौकरी विश्लेषण का एक परिणाम जो संगठन की दृश्यता और कर्मचारी की नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए तकनीकी और मानवीय मानवीय विचारों के माध्यम से नौकरियों में सुधार करता है उसको हम जॉब डिज़ाइन कहते हैं इट इज़ बेसिकली स्पेसिफाइड एज अ कंटेंट मैथड एंड रिलेशनशिप ऑफ दी जॉब इन ऑर्डर टू सेटिसफाई दी वर्क रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्टिविटी एफिशियंसी एंड क्वालिटी मीट कार्य का विशेषण विश्लेषण करने के बाद हम उस कार्य को किस प्रकार से आगे ले जाएंगे ताकि वो कार्य में प्रोडक्टिविटी आए एफिशिएंसी आए उसके लिए हम अलग तरीके से जॉब को डिज़ाइन करते हैं इट इज़ अबाउट द ऑप्टिमल डिटर्मिनेशन ऑफ वे दैट हाउ जॉब नीड्स टू बी परफॉर्म कार्य को कैसे किया जाना चाहिए किस प्रकार से उसे कार्य को परफॉर्म किया जाएगा उसके विषय में हम जॉब डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं जॉब डिज़ाइन के मेजर एलिमेंट क्या हैं प्रमुख तत्व क्या हैं सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे संस्थान के उद्देश्य क्या हैं संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ नौकरियों का संक्षिप्त करना आप जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अपने जॉब्स को अलाइन करते हैं डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसे पूरा होगा जब आपकी नौकरियों में जो कार्य कर रहे लोग हैं वो उसी तरीके से उस प्रकार से कार्य करें ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल वो अटेन कर सकें दूसरा कंसिडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज दी जॉब एफिशिएंसी आज के समय पर जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने संगठनों में क्योंकि हमें मालूम है कि टेक्नोलॉजी बहुत हद तक हमें मदद करेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए तो किस तरह से हमें नौकरियों में डिज़ाइन करना है उस टेक्नोलॉजी कल आस्पेक्ट्स को हमें लेकर आना है वो हमें जॉब डिज़ाइन में मदद करता है एर्गोनॉमिक्स कंसर्न जॉब डिज़ाइन में हम एग्रोनॉमिक कंसर्नस के बारे में बात करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम जॉब्स को और बेहतर बनाएं ताकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकें उनके फिजिकल वेलबी का हम ध्यान रख सकें बिहेवियरल कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस इन एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फेक्शन हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इस जॉब को कार्य को पूरा करने में क्या बिहेवियरल कंसर्नस होंगे ताकि जो एक कार कर्मचारी है वो पूरी तरीके से संतुष्टि के साथ इस कार्य को पूरा कर सके जॉब डिज़ाइन की थ्योरीज क्या हैं इसमें हम दो थ्योरीज की बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों के बारे में इस विश्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया कि लोगों से जितना संभव हो उतना कठिन काम करवाना उतना कठिन नहीं था इसमें यह ड्रॉ किया गया कि हम सोचते हैं कि लोगों से कार्य कराना बहुत मुश्किल है लेकिन इतना है नहीं कार्य करने के तरीके को अनुकूल करने में कुशल करना साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहती है कि अगर आप कार्य को सही तरीके से कराते हैं तो कार्य बहुत अच्छे से निर्वाह किया जा सकता है और लोगों को भी Uh, कठिन से कठिन कार्य कराया जा सकता है अगर सही प्रकार से कराया जाए तो और जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल कहता है कि जॉब डिजाइंस थ्योरी दैट सिग्निफाइज थ्री साइकोलॉजिकल स्टेट जिसमें एक्सपीरियंसिंग मीनिंगफुल वर्क परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क आउटकम और नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू तो बी वर्क परफॉर्म इसको मैं आगे आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है जो हैकमैन और ओल्ड हेम ने दिया था जो कहते हैं कि कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं किसी भी कार्य को करने के लिए स्किल वैरायटी होनी चाहिए उस टास्क की आइडेंटिटी उस कार्य का क्या इम्पोर्टेंस है क्या महत्व है कार्य को करने के लिए क्या फ्रीडम और ऑटोनॉमी आप प्रोवाइड कर रहे हैं इससे तीन तरीके के साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो हैं वो पैदा होंगे जिसमें हमने कहा एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क लोगों को पता चलेगा का इस कार्य को करने से इसकी ज़रूरत क्या है मीनिंग क्या है इसका एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग जिम्मेदारियाँ समझेंगे अपनी और नॉलेज ऑफ रिजल्ट मॉडरेटेड बाय दी इम्प्लॉय जो लोग इससे सीखते हैं और इन सारी चीज़ों से उनका मोटिवेशन बढ़ता है सेटिस्फैक्शन बढ़ता है क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इंक्रीज होता है और एबसेंटिज़म और टर्न रेट कम होता है लोग नौकरियों को छोड़ के कम जाते हैं और छुट्टी भी कम लेते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयी के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब और एम्प्लॉय के बीच में जो हम संबंध एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं उसके ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल हैं जिन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हमारी बात हो रही है स्किल वैरायटी की स्किल वैरायटी जिसको हम कौशल विविधता कहते हैं वह डिग्री जिस तरह जिस तक नौकरी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल होती हैं जिसके लिए नौकरी धारक द्वारा कई अलग अलग कौशल और प्रतिभाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं स्किल वेरायटी इसमें दूसरा है टास्क आइडेंटिटी कार्य की पहचान क्या कार्य हम कर रहे हैं वह डिग्री जिस तक कार्य को संपूर्ण और पहचाने जाने योग्य कार्य को पूरा करने की आवश्यकता होती है अर्थात किसी कार्य को शुरू से अंत तक एक आ, ए, अंत तक एक यू नो रश् परिवार के साथ करना चाहिए ए, 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 एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करना चाहिए तभी वो कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट होगा तीसरा इसमें हमने कहा टास्क का महत्व क्या है कार्य का महत्व क्या है वे डिग्री जिस तक कार्य का अन्य लोगों के जीवन या कार्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है चाहे वह तत्काल संगठन में हो या बाहरी वातावरण में हो चौथा इसमें आता है ऑटोनॉमी काम करने के लिए आप उनको कितना ऑटोनॉमी देते हैं कितना उनको डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं डिग्री टू विच इंडिविजुअल प्रोवाइड सब्सेंशियल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को एक ऑटोनॉमी दें डिसीजन मेकिंग लेने के लिए उस कार्य को समझने के लिए उनको आ, उनको फ्रीडम दें ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें और उस कार्य को पूरी तरीके से कर पाएँ और चौथा इसमें आता है फ़ीडबैक फीडबैक बहुत ज़रूरी है अगर हम लोगों को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो वो फ़ीडबैक उनको और बेहतर करने में उनकी चीज़ों को और अच्छे से समझने में मदद करता है और जब हम उसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं तो हम उसको नए बदलाव के साथ आगे लाते हैं जॉब डिज़ाइन की चार प्रक्रिया हैं जैसे हमारी जॉब एनालिसिस की दो थी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन वेर एज जॉब डिज़ाइन मैथड्स हमारे चार हैं जिसमें हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं जॉब रोटेशन की बात करते हैं जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट तो सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करेंगे जॉब सिंप्लीफिकेशन से जैसा कि ये नाम है और नाम से ही आपको बहुत हद तक समझ में आ रहा होगा नौकरी का सरलीकरण करना नौकरी का सरलीकरण मीन्स आप क्या करते हैं अपने कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सिम्प्लीफाई करते हैं आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की बजाय उस कार्य को सिम्प्लीफाई करते हैं और बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो इस कार्य को आ, करती हैं अपने जॉब्स को छोटे, छोटे छोटे रूप में बांट देती हैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती हैं और उसको आसान बनाती हैं ताकि लोगों को समझने में करने में उनको आसानी रहे तो जॉब डिज़ाइन करने का सबसे पहला जो तरीका है वो जॉब को आसान बना देना है नौकरी सरलीकरण एक डिज़ाइन पद्धति है जिसके तहत नौकरियों को छोटे घटकों में विभाजित किया जाता है और बाद में श्रमिकों को संपूर्ण नौकरियों के रूप में सौंप दिया जाता है कार्य की सरलीकरण के लिए आवश्यकता है कि कार्य को उनकी सबसे छोटी इकाई में विभाजित किया जाए और फिर उनका विश्लेषण किया जाए छोटे छोटे रूप में आप उसको तोड़ दीजिए और फिर उनका विश्लेषण कीजिए उसके हिसाब से लोगों का चयन कीजिए तो यहाँ पर आप कार्य बहुत अच्छे से लोगों को समझा भी सकते हैं और उनसे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट ड्रॉ करा पाएंगे और फिर इन उप इकाइयों की श्रमिकों को उनके कुल कार्य के रूप में सौंपा जाता है तो कंपनीज़ लाइक मैकडोनल्ड्स है या हम बात करते हैं पिज्ज़ा हट की इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो अपने कार्य को छोटे छोटे रूप में बांट देती हैं और उसको सिंप्लीफाई करती हैं ताकि लोगों के समझने और करने में आसानी रहे दूसरा जो एक तरीका है इसमें वो आता है जॉब रोटेशन जिसको हम कहते हैं जॉब बदलाव एक जॉब से दूसरी जॉब में लाना इसका तात्पर्य कर्मचारियों का एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे जाना है नौकरियाँ अप्रवृत्त रहती हैं जब रोटेशन के साथ कोई भी कर्मचारी अलग अलग कार्य को करता है लेकिन कामोवेश एक ही प्रकृति के कार्य करता है इसमें आप क्या कर रहे हैं लोगों से अलग अलग तरीके से कार्य करा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स पे काम कर रहे हैं बट मोर और लेस नेचर ऑफ सेम जॉब ठीक है जो जॉब का नेचर है वो सिमिलर रहता है लेकिन आप उनसे अलग अलग कार्य कराते हैं जॉब रोटेशन कराने के फायदे क्या होते हैं अगर आप किसी इम्प्लॉयी को एक जॉब से दूसरे जॉब पे रोटेट कराते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगी उसमें सबसे पहला है कि आपका जो एम्प्लॉई है वो बेसिकली एक्सपीरियंस करेगा विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य को वेराइटी ऑफ वर्क उसको देखने को मिलेगा नई नई जगह पर वो कार्य करेगा और नए लोगों से वो मिलेगा तो इससे उसका मनोबल बना रहता है उसको लाइफ में एक मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं वो आ, उसको बोरिंग नहीं लगता है तो उसके वैरायटी ऑफ वर्क प्लेस और पीयर ग्रुप में बदलाव आता रहता है जॉब रोटेशन आपके यू नो you know, बोरियत कम करता है बोर्डन कम करता है और आपकी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाता है बॉर्डन करता है आपकी नॉलेज और स्किल्स को क्योंकि आप विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं उन प्रकार के कार्य को समझ रहे हैं तो डिफरेंट वर्क को करने से आपकी नॉलेज और स्किल्स जो है वो बॉर्डन हो रही है ब्रॉड हो रही है बेसिकली ठीक है इससे बोर्डम और मोनोटोनी कम होती है क्योंकि आप जब एक जैसा कार्य लंबे समय तक करते रहते हैं तो आपको बहुत बोर्डम uh, फील होता है आपको मोनोटोनी आपका मन नहीं लगता है आपको बोरियत uh, का महसूस होता है जो कि आपका जॉब रोटेशन के द्वारा रिमूव हो जाता है चौथा हम कह रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस मेथड पीपल बिकम मोर फ्लैक्सीबल लोग जो होते हैं वो रिजिड नहीं रह जाते फ्लैक्सीबल हो जाते हैं हर काम को करने के लिए वो तैयार रहते हैं दे आर प्रिपेयर टू अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेशली एट दी अदर पोजिशन दूसरे जगहों पर दूसरी चीज़ों पर भी वो अलग अलग कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं इसके अलावा जॉब रोटेशन जो है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ाता है आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं इनटू जर्नलिस्ट जॉब रोटेशन इम्प्लॉयीज़ को हेल्प करता है कि आपके जो मैनेजमेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके के टार की कॉन्टीजेंसीज को मीट आउट कर सकें और ये जो मेथड है आपकी सेल्फ इमेज और पर्सनल वर्थ को भी बढ़ाता है अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस की जॉब रोटेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस मेथड के कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं जॉब रोटेशन बेसिकली डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है मेंबर ऑफ द वर्क ग्रुप हैव टू एडजस्ट टू द न्यू एम्प्लॉयी आप लंबे समय तक एक कार्य को कर रहे हैं फिर आप उसको छोड़ के दूसरे कार्य को करने जाते हैं तो आपके कार्य को बीच में ये रोकता है और आपको नए लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है नई जगह पर आपको जाना पड़ता है कई बार कुछ लोग इसको पॉजिटिवली लेते हैं कई बार कुछ लोग इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो ये दोनों ही तरीके से है कुछ लोगों को ये मोटिवेशन देता है कुछ लोगों को ये डीमोटिवेट भी कर सकता है दूसरा इसमें प्रोडक्टिविटी इंसान की कम हो जाती है क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर ले जाया जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि वो नई जॉब को नए प्रकार से समझेगा सीखेगा जानने की कोशिश करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव आएगा जबकि वो एक समय तक लंबे समय तक किसी कार्य को कर रहा है तो उस कार्य को करते रहने से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है और नेचर ये, ये इंसानियत नेचर है जब हम किसी कार्य को करते रहते हैं एक समय तक तो हमारी प्रोडक्टिविटी उस कार्य को करने में बढ़ जाती है इसमें आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी बढ़ती है क्योंकि आपको लोगों को बताना पड़ेगा सिखाना पड़ेगा जब आप उनको रोटेट करेंगे दूसरी जॉब में तो उस जॉब पर क्या कार्य करने हैं किस तरीके से कार्य होना है क्या क्या आपकी उपेक्षाएं हैं उस कार्य से उन सब चीज के बारे में आपको सिखाने के लिए कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी आगे इसी में सुपरवाइजर में ऑल्सो हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन आंसरिंग क्वेश्चन एंड मॉनिटरिंग दी वर्क ऑफ द रोटेटेड एम्प्लॉयज डेफिनेटली जब आप किसी एम्प्लॉय को रोटेट करते हैं किसी भी नई जगह पर तो वो नई जगह पर कार्य सीख रहा है तो उसके जो इमीडिएट सुपरवाइज़र हैं जो हेड है उन्हें भी देखना पड़ेगा कि वो लोग उस कार्य को सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एंड इट कैन बी डीमोटिवेटेड इंटेलिजेंट एंड एम्बिशियस ट्रेनिंग हु सीक स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर चूजन स्पेशलिटी और बहुत मुश्किल है कि आपको उसी तरीके का कार्य मिल पाए जो आपके तरीके का कार्य है जिसको आप करना चाहते हैं ठीक है तो उन बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी प्रशिक्षकों को उत्सोहित करना करता है कर सकता है जो अपनी चुनी हुई विशेषता और विशिष्ट जिम्मेदारियां चाहते हैं ना कि ये सभी को खुश करेगा तीसरा जो हमारा जॉब डिज़ाइन का मेथड है उसको हम नाम देते हैं जॉब एनलार्जमेंट ये बहुत ध्यान से समझने की बात है क्योंकि दो टर्म्स हैं जिनको हम बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं जिसमें जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट आता है जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट दो टर्म्स हैं लेकिन दोनों में क्या अंतर है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कार्य विस्तार कार्य को बढ़ाना इसमें किसी दिए गए कार्य को सौंपे गए कार्य या कर्तव्य की संख्या संख्या का विस्तार करना शामिल है यह कार्य सलरीकरण के विपरीत है ये बिल्कुल ऑपोजिट है जॉब सिंप्लीफिकेशन जो एक टेक्निक हमने बात करी थी उससे ये ऑपोजिट है क्योंकि किसी कार्य में अधिक कार्य या कर्तव्य जोड़ने का मतलब यह नहीं कि की प्रद, की प्रदर्शन करने के लिए नए कौशल और क्षमताओं की आवश्यकता है बड़े कार्यों के लिए लंबी प्रशिक्षण अवधि की आवश्यकता होती है क्योंकि सीखने के लिए अधिक कार्य होता है क्षतिज विस्तार होते हैं तो इसमें क्या है जॉब एनलार्जमेंट एं, में आप प्रेजेंट जॉब में ही इम्प्लॉय का जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप बढ़ाते हैं ये वर्टिकल एक तरीके से आप कह सकते हैं ये ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है आपके काम का ठीक है इसमें आपकी जो ड्यूटीज़ हैं और जो टास्क हैं उनको बढ़ाया जाता है ये जॉब सिंप्लीफिकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है और इसमें आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया जाता है उसको हम कहते हैं जॉब एनलार्जमेंट कैसे किया जाता है इंक्रीज इन डाइवर्सिटी ऑफ जॉब अलग अलग तरीके के कार्य आपको देकर जो आपको सेटिस्फाई भी करते हैं यहाँ पर दे प्रोवाइड होलनेस एंड आइडेंटिटी विद दी टास्क एंड इनक्रीज दी नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म इट आपकी क्षमताओं को आपकी नॉलेज को आपके स्किल्स को भी ये बढ़ाता है इट प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ स्किल्स इट रिड्यूसिस टेंशन एंड बोर्डम कई बार टेंशन देता भी है कई बार नहीं भी देता कई बार आपका जो बोर्डम है उसको वो रिड्यूस करता है और एम्प्लॉयज़ को ये वर्सेटाइल तरीके से तैयार करता है ताकि आप अलग अलग तरीके से अपने आप को तैयार कर सकें अलग अलग कार्य करने के लिए आखिर में हम बात करते हैं जॉब एनरिचमेंट की जॉब एनरिचमेंट क्या है जॉब एनरिचमेंट नौकरी संवर्धन है नौकरी संवर्धन का उद्देश्य कर्मचारियों को निम्नलिखित विशेषताओं वाली नौकरियां प्रदान करके काम की रुचि और चुनौतियों का अधिकतम करना है वे इस अर्थ में पूर्ण कार्य है कि कार्यकर्ता कार्यों या गतिविधियों की एक श्रृंखला की पहचान कर सकते हैं जो एक पहचान ने योग्य और निश्चित उत्पादन या सेवा में समाप्त होती है वह कर्मचारी जो काम को पूरा करने या संदर्भ विविधता निर्णय लेने की जिम्मेदारी और नियंत्रण प्रदान करते हैं वह काम के माध्यम से ही प्रत्यक्ष और तत्परित प्रतिक्रिया देने देते हैं कि कर्मचारी अपना काम कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं तो अगर हम जॉब एनरिचमेंट की बात करें जॉब एनरिचमेंट वो है जिसमें कि हम इम्प्लॉई की मैक्सिमम इंटरेस्ट और चैलेंजेस को हम बढ़ावा देते हैं बढ़ाते हैं जैसा जॉब एनलार्जमेंट जो था वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन था वेयर एज जॉब एनरिचमेंट जो है वो वर्टिकल आपका एनरिचमेंट है प्रोफाइल का ठीक है इसमें आप कंप्लीट पीस ऑफ वर्क देते हैं लोगों को ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें जो टास्क है एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरीके से पहचाना जा सके किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस को डिफाइन किया जा सके ये एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ स्किल्स की डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वो कंट्रोल एज वेल एज पॉसिबल वे जिसके द्वारा उनको कार्य को पूरा करना चाहिए और ये उनको प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एंड क्विक फीडबैक ऑल्सो ठीक है उनको एकदम से बताता है कि वो उनका कार्य जो है वो सही तरीके से पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है जॉब एनरिचमेंट की क्या टेक्निक्स हैं किस तरीके से हम जॉब एनरिचमेंट करते हैं जॉब एनरिचमेंट के जो सबसे पहला टेक्निक है उसमें फ्रीडम इन डिसीजन आपको किसी भी कर्मचारी को कार्य करने के लिए उस कार्य में करने के स्वतंत्रता देनी होगी कोई भी कार्य जब हम करते हैं उस कार्य में बहुत सारे हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है बहुत सारे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है और वो तभी हो पाएगी जब हमें उस कार्य को करने के लिए फ्रीडम दिया जाए स्वतंत्रता दी जाए किसी कर्मचारी को प्रातधिक कार इकाई सौंपे असाइन अ नेचुरल वर्क यूनिट टू एन एम्प्लॉई उसको पूरी तरीके से आपने एक इकाई सौंप दी उसको जिम्मेदारी दे दी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये काम आप ही को करना है आप ही के अंडर में होगा आप इसके हेड हैं आप इसके सुपरवाइजर हैं आप इसके मैनेजर हैं आप देखिए इस कार्य को आप कैसे करेंगे हमें तो ये रिजल्ट चाहिए हमें आपकी आपसी ये उपेक्षाएं हैं आपकी ये अकाउंटेबिलिटी है और उनको पूरी तरीके से उस कार्य को करने के लिए फ्रीडम देने को हम कहते हैं जॉब एनरिचमेंट आपके प्रोफाइल में वो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई जहाँ पर आपको फ्रीडम है टास्क को कराने के लिए ज़िम्मेदारी के साथ एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन लोगों को एनकरेज करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए ताकि लोग इस लायक बन सकें और इस जॉब एनरिचमेंट की प्रोफाइल को टेकअप कर सकें इसमें आगे है अलाउ दी एम्प्लॉय टू सेट देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इंप्लॉयीज़ को अलाउ किया जाता है कि वो अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को ख़ुद से तय करें कि उनको कितना परफॉर्मेंस किस समय तक देना है उनका क्या बेंचमार्क रहेगा ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम उसी तरीके से एनालाइज़ कर सकें मैक्सिमाइज तो दी कंट्रोल टू प्रोवाइड फ्रीडम टू दी एम्प्लॉयज़ जॉब एनरिचमेंट में हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉज़ को फ्रीडम के साथ साथ उनको कंट्रोल भी करने के लिए स्वतंत्रता देते हैं ताकि वो उस कार्य को पूरी तरीके से निर्वाह कर सकें इसी में आगे हम बात करते हैं मेक एन एम्प्लॉय डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इज इम्प्लॉय एम्प्लॉय को हम पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, देते हैं कि अपने कार्य को करने के लिए ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से इनकी है क्योंकि हमने इनको फ्रीडम दिया है तो अब जिम्मेदारी भी इन्हीं की है हम इनको इनकरेज करते हैं कि ये पार्टिसिपेट करें डिसाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड पॉलिसी जो संस्थान हैं संस्थान के क्या गोल uh, हैं क्या लक्ष्य हैं क्या पॉलिसीज उनकी बनेंगी उसमें भी ये अपना पार्टिसिपेशन देते हैं ताकि वो उस कार्य को पूरी तरीके से करा सकें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल और परफॉर्मेंसेस को हम पॉलिसीज़ को हम पूरा कर सकें एक्सपेंड इन जॉब वर्टिकली जैसा मैंने कहा जॉब एनरिचमेंट जो होता है आपका वर्टिकल एक्सपेंशन है और जॉब एनलार्जमेंट जो है वो आपका हॉरिजोंटल एक्सपेंशन है इसमें हम नए डिफिकल्ट और क्रिएटिव टास्क को जोड़ते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ ताकि वो अपनी नई प्रतिभाओं को नई चीज़ों को सामने लेकर आएँ और इसको करने से उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है उनको लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया कुछ अलग किया जिससे संस्थान की मदद होती है और उनका भी प्रोफाइल इन्स हो रहा है जॉब इनमेंट की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इनरिच करता है उनके रोल को बढ़ाता है इसका नाम ही इनरिच करना है ये जॉब को बेसिकली यूज़ करने में मदद करता है ताकि लोग मीनिंगफुल रिजल्ट ड्रॉ कर सकें चीज़ नई चीज़ों को नई जिम्मेदारियों को समझ सकें इट मेक्स वर्क मोर इंटरेस्टिंग एंड एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड आपके कार्य को और ज़्यादा दिलचस्प बनाता है और आपके कार्य का, कर्मचारी को प्रेरित करता है नए अच्छे कार्य को करने के लिए क्योंकि उसको एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ लेबर टर्न ओवर एंड एबसेंटिज्म अब अगर किसी की जॉब को एनरिच करते हैं किसी कर्मचारी की जॉब को आप एनरिच करते हैं तो डेफिनेटली उसका ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ाव होता है उसका एबसेंटिज्म रेट कम होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़ के भी कम जाता है क्योंकि वो मोटिवेटेड फील करता है उसकी स्किल्स और नॉलेज बढ़ रही हैं उसका मुराइल बढ़ता है मुरैल बढ़ने से उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है उसका बोर्डम कम होता है वो बोरियत कम होती है उसकी और डिसटिस्फेक्शन भी उसका कम होता है क्योंकि उससे मोटिवेशन मिल रहा है काम करने के लिए और इन सब चीज़ों से उसका जो आउटपुट है वो बढ़ता है दोनों ही तरीके से गुणात्मक तरीके से भी और मात्रात्मक तरीके से जिसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी कहते हैं इसी के साथ अगर हम जॉब एनरिचमेंट की नुकसान को देखें डिसएडवांटेजेस को देखें तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कॉस्ट बढ़ाता है आपकी डेफिनेटली जब आप किसी कार्य को आ, किसी को देते हैं समझाने के लिए या समझने के लिए कार्य करने के लिए देते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी इसमें आपको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है उनको ट्रेनिंग भी देनी होती है कई बार उनको गाइडेंस भी देनी पड़ती है ये सारी चीज़ें भी कॉस्ट बढ़ाती हैं कई बार ये जॉब एनरिचमेंट सारी जॉब्स पर अप्लीकेबल भी नहीं होता है आप हर जॉब को एनरिच कर सकें या उसका वर्टिकल एक्सपेंशन कर सकें ऐसा पॉसिबल नहीं है कई बार ये इंडिविजुअल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है कई बार ये लोगों पे थोपा भी जाता है कुछ लोग नहीं जिम्मेदार होते हैं या कुछ लोग नहीं चाहते हैं उन जिम्मेदारियों को निर्वाह करना फिर भी उन पर ये कई बार थोप दिया जाता है और इसको यूनियंस के द्वारा ऑब्जेक्ट भी किया जाता है यूनियन जो है वो इस पर आपत्ति भी जताते हैं तो ये कुछ आपके नुकसान हैं जॉब एनरिचमेंट के हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉइज को कैसे सशक्त बनाना है एम्पावर कैसे करना है उसके लिए कुछ आपको पॉइंट्स uh, हम डिस्कस करेंगे आपको अगर अपने एम्प्लॉइज़ को एम्पावर uh, करना है तो उनको मदद कीजिए पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करें वो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना वो सशक्त बनेंगे उनको इनक्रेज करें कि वो नए पाथ्स को नए आइडियाज़ को डेवलप करें उनसे जानकारियाँ लें नई नई इन्फॉर्मेशनस को वो कलेक्ट करें और जवाबदेही बने आपके एम्प्लॉयज़ जो कार्य कर रहे हैं उसको करने के लिए वो अकाउंटेबिलिटी समझें तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉज़ को एम्पावर करेंगी इसके साथ साथ आपको मदद करेंगी जॉब को एनालाइज करने में और जॉब को डिज़ाइन करने में इसी के साथ हम ये पाठ्यक्रम खत्म करते हैं धन्यवाद बहुत बहुत